हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम एचएस के इंग्लिश सब्जेक्ट का एक पोएम वन क्लिंग ए ट्री का जस्टिफाई करने वाले हैं, जो इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन हम इंग्लिश में पहले बोल देंगे, इसके बाद इसका उर्दू तर्जमा करेंगे। तो वन क्लिंग ए ट्री ये पोएम है, इसका जो जस्टिफाई होगा कुछ इस तरह से होगा। आंसर में यहाँ पे दिया गया है, द ट्री इज जीनियस हेल्पर बट मैन इज सेल्फिश एंड ग्रीडी, द मैन डिस्ट्रॉयज द ट्री फॉर हिज सेल्फिश ग्रीडी, ए सिंपल जॉब और चॉपिंग कैन नॉट किल ए ट्री, क्रूल मैन यूजेज अ नंबर ऑफ क्रूल मेथड्स टू किल ए ट्री, सो ए ट्री इज अपरूटेड एंड स्नैप्ड आउट ऑफ द अर्थ, then it is exposed to sunlight for dying, it passes through the process of scorching, choking, burning, hardening and twisting, the poet tracks trees, a sensitive living organism, he adds human qualities to them to highlight their struggle for existence. This is the title ironically points out man's utter cruelty towards tree. So the title is appropriate. तो दोस्तों, अभी मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बोला है द ट्री इज जीनियस हेल्पर, इसका मतलब होता है जो दरख्त है वो जीनियस हेल्पर है, यानी एक मेहरबान मददगार है। दरख्त इंसानों के लिए, इस दुनिया के लिए मेहरबान मददगार है। बट मैन इज सेल्फिश एंड ग्रीडी, लेकिन जो इंसान है इस दुनिया में वो खुदगर्ज हैं और ग्रीडी है, यानी लालची है। द मैन डिस्ट्रॉयज द ट्री फॉर हिज सेल्फिश ग्रीड, यानी अपनी लालच के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए लोग, इंसान दरख्त को आज काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एज सिंपल जॉब और चॉपिंग कैन नॉट किल अ ट्री, एक दरख्त को मारने के लिए एक छोटा सा काम ही काफ़ी नहीं है, काटना ही काफ़ी नहीं है एक दरख्त को मारने के लिए। कॉमा, क्रूल मैन वाज अ नंबर ऑफ क्रूल मैन यूजेज अ नंबर ऑफ क्रूल मेथड्स टू किल अ ट्री, जो जालिम इंसान है, आदमी है इस दुनिया में, दरख्त को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं ख़त्म करने के लिए। सो अ ट्री इज़ अपरूटेड एंड स्नैप्ड आउट, इसलिए एक दरख्त को आज जड़ से उखाड़ा जाता है और स्नैप्ड आउट ऑफ द अर्थ, उस ज़मीन से उखाड़ा जाता है उस दरख्त को। आज दरख्त को ख़त्म करने के लिए लोग उसको काटने के साथ साथ उसके जड़ को भी उखाड़ देते हैं, स्नैप्ड आउट मतलब उस जमीन से उखाड़ लेना। देन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट फॉर डाइंग, इसके बाद उस जड़ को, उस दरख्त को जमीन के ऊपर सनलाइट में, यानी सूरज की रोशनी में, धूप में उसको सूखने के लिए दिया जाता है ताकि वो मर जाए। फॉर डाइंग मीन्स मरने के लिए। इट पासिस through the process of scorching, choking, burning, hardening and twisting, इस तरह जो है दरख्त को काटा जाता है, उसको काट करके टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है और लास्ट में इसको सुखा कर धूप में देकर मारा जाता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज में पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, द पॉइंट ट्रैक्ट्स ट्रीज अ सेंसिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पॉइंट यानी जो नज़म निगार है, दरख्तों के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताया है, सेंसिटिव एहसास करने वाले जानदार बताया है, ऑर्गेनिज्म बताया है दरख्त को, कि दरख्त का भी एक एहसास है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी। He adds
human qualities to them to highlight their struggle for existence. He adds human qualities. He मतलब यहाँ पे the poet होगा, नज़म निगार होगा. तो यहाँ पे जो poet है adds human quality. इंसान की जितनी खासियत है, इंसान की खासियत है जैसे एक दरख्त को, जैसे इंसान की खासियत यह है कि वो अपने अपने आप को कोई चीज़ अगर ठोकर लगे तो वो महसूस कर सकता है, यानी एहसास करना, सेंसिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इंसान एक जगह से दूसरी जगह फिर सकता है. इंसान के अंदर बोलने की ताकत है. ठीक उसी तरह पॉइंट यहाँ पे दरख्त को ह्यूमन क्वालिटी देना चाह है, यानी ह्यूमन की जितनी खासियत है ये बताना चाह रहा है कि ठीक उसी तरह दरख्त का भी कुछ इंसान की तरह क्वालिटी है, सेंसिटिव और लिविंग ऑर्गेनिज्म है. टू हाईलाइट देयर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कुछ वो भी जद्दोजहद करते हैं, ठीक इंसान की तरह. आज इंसान जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं, जंगल काटते हैं, रास्ते बनाते हैं, मकान बनवाते हैं, ठीक उसी तरह उस दरख्त भी जिंदा रहने के लिए इस दुनिया में कुछ स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है. दिस द टाइटल आयरोनिकली पॉइंट्स आउट मैंस अल्टर क्रूलिटी टुवार्ड्स ट्री. इसलिए ये जो टाइटल है वन क्लिंग ए ट्री पॉइंट्स आउट मैंस अल्टर क्रूलिटी टुवार्ड्स ट्री, यानी दरख्त की तरफ एक जालिमाना हरकत को बताया है इंसान की. सो द टाइटल इज अप्रोप्रिएट. इसलिए इस पोएम का जो टाइटल है वन क्लिंग ए ट्री, ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे पोएट इस पोएम के जरिए ये बताने चाहा है कि एक इंसान की जितनी खासियत है, जैसे खासियत है सेंसिटिव लिविंग, तो ठीक उसी तरह एक दरख्त का भी एक खासियत है. सो इसलिए जो है वी डोंट हैव टू कट ट्री लाइक क्रूल ह्यूमन. आज का वीडियो इतना ही तक दोस्तों. खुदा हाफिज़.